Hello and welcome, all of you and all the students of my institutions who have been studying English from this channel. So dear students and dear viewers, आज मैं जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस और उसके अलग अलग प्रकार के काइंड्स को देखा था, आज हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे एकदम नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में ना बच्चे, हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स दो पढ़ लिए थे, एक एडजेक्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस और दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स दिखाए थे आपको, ओपन एंड क्लोज्ड, यस नो, WH के बारे में मैंने बताया था। आज उसी बेसिक्स की कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे जैसे हम लोग देखते हैं तो एक सेंटेंस आता है जिसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे ध्यान से। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो ना किसी के बारे में कुछ बताते हैं ना ही किसी से सवाल जवाब कहते हैं। ये सेंटेंस जो है ना, या ऑर्डर दे सकते हैं, या कमांड दे सकते हैं, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या इससे हम लोग जो है किसी को क्षमा कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना कहानी को? तो ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, यानी कि सलाह, एडवाइस, यदि ये हो तो इसके लिए हमें इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना होगा। तो हम अगर साफ शब्दों में कहें कि ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस व्हाट ऑर्डर, ऑर्डर में ही एक शब्द होता है कमांड, दोनों का मतलब एक ही है, हम लोग बोल सकते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है, और बोलेंगे जरा सा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ठीक है जी। समझ में कहानी आ रही है कि नहीं आ रही है? आप किसी को फॉरबिड भी कर सकते हैं, मतलब प्रोहिबिशन को भी इससे शो किया जा सकता है, ठीक है, कहानी को समझ रहे हैं। यानी कि ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइज हो, फॉरबिड यानी कि प्रोहिबिशन, दोनों का मतलब मना करना, इसका मतलब किसी को आज्ञा देना, रिक्वेस्ट का मतलब आप समझते हैं अनुरोध करना, और एडवाइज का मतलब होता है सलाह। तो इतने सारी चीजों को जो सेंटेंस एक्सप्रेस करेगा उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, क्या कहूं देखेंगे, अगर मैं कहूं गो देयर, एकदम बेसिक की बात हो रही है, वहां जाओ, ये एक ऑर्डर है। यदि क्लास में गुरुजी ने आपको कहा सिट डाउन, ये एक ऑर्डर है। लेकिन यदि आपसे फिर हमने कहा प्लीज, ओके, प्लीज गिव मी योर सेल फोन, कृपया आप अपना सेल फोन मुझे दे दीजिए, ठीक है। अगर कोई कहता है काइंडली, ठीक है, हेल्प द नीडी, कृपया जरूरतमंदों की मदद करें, तो ये सेंटेंस क्या रिक्वेस्ट की बात कर रही है? कोई दिक्कत? अगर फिर कोई लिखता है प्लीज ब्रिंग अ बोतल ऑफ वाइन, वाह, कृपया एक बोतल शराब ला दो, तो ये भी एक
क्या है, एक रिक्वेस्ट है। एडवाइस की बात करें तो अगर किसी ने कहा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं एडवाइस की बात हो रही है। जैसे अगर मैंने कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा लो, ये तो एडवाइस है ना जी। समझ रहे कहानी को, समझ रहे है ना। कोई कहता है कि बी केयरफुल, सावधान हो जाए, सलाह की बात हो रही है, समझ रहे ना। अगर मैं बोलू प्लीज वॉच माई वीडियोज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो ये मैंने प्लीज बोला। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ये भी मैंने प्लीज कह के बोला, तो ये भी क्या है, ये रिक्वेस्ट की बात हो रही है, समझ गए। अगर मैंने कहा डोंट डू इट अगेन, ऐसा फिर से मत करना, या मैंने कहा कि नेवर इंसल्ट अ पुअर, कभी भी नेबर इंसल्ट द पुअर, कभी भी गरीबों का इंसल्ट ना करो, तो ये फॉरबिड तो है, साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एडवाइस की भी कहानी दे रही है, समझ रहे ना। अगर मम्मा ने कहा कि बेटा डोंट प्ले इन द सन, सूरज में मत खेलो ना जी, ना धूप में मत खेलो, मम्मा ने कहा, तो मतलब ये आपके लिए एक फॉरबिड, एक प्रोहिबिशन हो सकता है, ये आपके लिए एक एडवाइज हो सकता है। आई होप इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखो जरा। चलो जी, यही माध्यम सबसे बेहतरीन है जिससे सारे विद्यार्थी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, पता नहीं, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तक पढ़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आ जाएगा, ठीक है जी। अब कहानी में ट्विस्ट लेके आते हैं। देखिए, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपने देखा होगा उसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं दिया गया है, तो सब्जेक्ट हिडन है, अंडरस्टूड है, मतलब छुपा है या समझा गया है कि आखिर में सब्जेक्ट है कौन। यदि किसी ने आपसे कहा ना बेटा, ऐसे किसी ने सेंटेंस बोला कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, किसी ने आपसे कहा कि एक ग्लास दूध ला दो, यानी कि ये उसने कहा, मतलब आप उसके सामने हो, मतलब सब्जेक्ट बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं प्लीज लाइक दिस वीडियो, तो मैंने ये नहीं कहा कि प्लीज यू लाइक दिस वीडियो, ना जी ना, प्लीज लाइक दिस वीडियो में यू जो है वो अंडरस्टूड हो गया, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो इसलिए यहां एक चीज याद रखना है अपने आप में कि जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो भी क्या होते हैं बेटा बोलो जरा, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है, या कहीं कहीं लिखा रहता है कि छुपा रहता है, चलो छुप छुप के मिलो, समझ रहे कहानी को। और जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट हिडन है, यानी कि बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है, बचा हुआ पार्ट बोलो प्रेडिकेट होता है, समझ गए, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा एक प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट नहीं है इसमें, समझ गए। तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस समझ रहे ना जी, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज व्हाट प्रेडिकेट। आगे देख लो, अब जो भी बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना उनके अंत में फुल स्टॉप आते हैं, बताओ, 1,00,000 का ज्ञान आपको दिया गया है जी, फुल स्टॉप होते हैं, समझ रहे भावनाओं को। इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ, बोलिए ना जी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव के बाद मैंने बोला था कि ये पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी व्हाट सेंटेंस। कहीं कहीं बुक्स में अब ऑप्टेटिव नहीं दी जाती है, फिर भी मैं थोड़ी उस पर चर्चा कर दूंगा कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि गब्बर आया था, है? मतलब थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी कि आखिर में ये होता क्या है, अगर आप जानते हो, आप सब विद्वान ही हो, ठीक है। देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है,
कि जिस सेंटेंस है ना, अपने दिल की बात बिना सोचे समझे बयां कर दिया जाए, समझ रहे बात को, वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि आपका छोटा कोई आकर के आपका पैर छूता है, आप टपाक बोलते हो खुश रहो, बी हैप्पी, हेल्दी रहो, बी हेल्दी। समझ रहे कहानी को? तो वहां पे क्या आपने सोचा कि ये आएगा तो बोलेंगे खुश रहो, ये आएगा तो बोलेंगे मोटे हो जाओ, ये आएगा तो पतले हो जाओ, ये आओ तो भाड़ में जाओ, सोचते हैं? नहीं ना जी, वो फीलिंग्स है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम लोग वैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? आप कुछ होता है तो बोलते हैं ओ माई गॉड, He is no more now. हे भगवान, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आप किसी को देखते हो तो क्या बोलते हो? What a hot girl. देखते हो ना, समाज कुछ छिछोरे हैं, खुश हो गए, What a hot girl. तो फिर भी आप attract हुए, वहां आपने बोला, आप astonished कर गए, आप surprised हो गए। तो ये आपकी भावनाएं हैं जिस सेंटेंस में व्यक्त करते हो, That is an exclamatory sentence. समझ रहे हो कहानी को? तो क्या बोलेंगे कि a sentence that expresses sudden emotion of इंसान की धड़कन, ह्यूमन हार्ट, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में कहानी आ रही है? एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन इमोशन और फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा, समझेंगे जरा, मैंने कहा व्हाट अ हॉट गर्ल। भावनाओं को आप समझ रहे होंगे, समझ रहे कहा बोलना है, आप विद्वान हो। हाउ नाइस, कितना अच्छा, ठीक है जी। आगे बहुत सारे आप सेंटेंसेस देखते हैं जो इस प्रकार से आते हैं। जैसे आपने एक जगह सुना होगा, कहीं कहीं लोग कहते हैं अच्छे काम के बाद, ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बड़ा ही बेहतरीन किया, शाबाश मेरे चेले, ब्रेवो। तो वहां पे ऐसे ऐसे शब्द आपको आते हैं। समझ रहे हैं ना आप कहानी को? समझ रहे हैं? तो ये जो भी सेंटेंस मैंने लिखा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब कहीं कहीं ना इस सेंटेंस में अब ऑप्टेटिव वाला हिस्सा भी यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि मे यू गेट सक्सेस ओके इन योर लाइफ, अपने जीवन में तुम्हें सफलता मिल जाए, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगर किसी ने आपको कहा गॉड ब्लेस यू, ये भी आपका क्या है बोलो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और पहले ये ऑप्टेटिव के नाम से चलता था कि मे वाला ऑप्टेटिव और बिना मे वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता था। तब बट अब समझ जाओ दोनों एक ही चीज है, बोलो समझे कि नहीं समझे? एकदम समझ गए होंगे। अगर मैं कहूं कि हनुमान जी की कृपा से तुम परीक्षा में पास कर जाओ, हनुमान जी की दया दृष्टि से तुम परीक्षा में पास कर जाओ, तो बच्चे खोजना शुरू करेंगे हनुमान जी की दया दृष्टि से, बाय द ग्रेस ऑफ हनुमान जी, आप सोचना शुरू कर देते। लेकिन बेटा बोल दो मैं यू पास दिस एग्जामिनेशन, आप इस परीक्षा को पास कर जाओ, तो कितना अच्छा। अरे भैया इंग्लिश में हनुमान जी ये वो बोलने का जरूरत नहीं है, बस बोल दो, ये कहानी आराम से बन जाएगी। तो इतना पार्ट ना बोल करके बोल दो मैं यू पास दिस एग्जामिनेशन, आराम से करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे कहानी को? कोई कहता है कि भगवान करे मेरा पड़ोसी मर जाए, है तो क्या बोलते हो? मे माय नेवर डाई। आप गॉड को इस्तेमाल नहीं करते हो, मे माय नेवर डाई, आप ऐसे बोल देते हो। समझ रहे हो? तो ये सारे सेंटेंस बोलो क्या कहलाएंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और याद रखना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस
जो भी होते हैं उनमें एक साइन तो पक्का होता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन। इस साइन को हम लोग कहते हैं बेटा नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, नोट ऑफ बोलो एक्सक्लामेशन, ये उल्टा छोटा वाला आई, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को, चलिए देखते हैं में, चलो शुरू किया जाए। क्या करोगे अब, सारा एंटरटेनमेंट 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 यहीं से हो रहा है। क्लास क्लास होती तो हमसे बच्चे परिचित है कि क्या होती है क्लास की समा, फिर भी चलो देखते हैं। ये बेसिक्स इतने सेंटेंस हैं, इसके अलावा बेटा दो सेंटेंस और जान लो। वो मैंने क्या बोला था, दो बोला था, समझ रहे हो क्या? एक तो मैंने बोला था कि क्वेश्चन टैग, एक बोला था इम्फैटिक, लेकिन मैं उन दोनों को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूं, समझ रहे हो? ये दिखते कैसे हैं, हाउ इट लुक्स, ये दिखता कैसा है, कौन ये इम्फैटिक और क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस, बस वो हमें जानना है, समझ रहे हो ना? जिस दिन मैं इम्फैटिक पे वीडियो बनाऊंगा, जिस दिन मैं क्वेश्चन टैग एक अलग चैप्टर है उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो फिर वहां बताऊंगा आखिर ये क्वेश्चन के साथ टैग का क्या राज्य है, ठीक है ना? आराम से जरा देखो, आई एम गोइंग राइट टू सेंटेंसेस, और आप देखो कैसे वो सेंटेंस है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, को प्यार से समझना, कि आई लर्न इंग्लिश, को प्यार से समझ जाओ। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई डू लर्न इंग्लिश, को प्यार से समझो, बड़ा आसान है ये, पीड़ा कष्ट दुख तकलीफ। फिर किसी ने कहा ही अब्यूज्ड यू, फिर किसी ने कहा ही डिड अब्यूज यू, मैंने कहा आई हैव अ गोल्डन टिकट, आई ये इंडियन आइडल वाले को मिलता है ऐसे गोल्डन टिकट, अब बस मन में आ गया, लिख दिया मैंने। फिर किसी ने कहा आई डू हैव अ फ्लैट, किसी ने कहा ही हैज मनी, फिर किसी ने कहा ही डज हैव मनी। लुक एट दिस ऑल सेंटेंसेस, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं को प्यार से देखना उसमें क्या तहलका है। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपको पढ़ाया था, उसी समय डू डज डिड पे पढ़ाया था। कुछ बच्चों ने मेरे ये कमेंट किए कि सर कृपया करके डू डज डिड पे एक वीडियो बना दीजिए। बनेगा वीडियो बेटा, इंतजार करो, ठीक है? अभी तो कहानी अपनी शुरू ही हुई है। देखो जरा ध्यान से, आई लर्न इंग्लिश, ही अब्यूज्ड यू, आई हैव अ गोल्डन टिकट, सी ही हैज मनी, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे सेंटेंस को ना हम लोग बोलते हैं नॉन इम्फैटिक सेंटेंसेस, नॉन इम्फैटिक सेंटेंसेस। बिकॉज इम्फैटिक का मतलब होता क्या, इम्फैटिक मतलब किसी चीज पे दबाव जोरदार बनाकर बोलना, जैसे हाँ 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 मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब कोई कहता है मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कोई जोर नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ाता तो हूँ, इसमें जोर है, मेरे पास कार है, कोई जोर नहीं है, मेरे पास कार जरूर है, इसमें जोर है। तो जहां जोर आएगा इम्फैटिक आएगा, और जोर डालने के लिए बेटा इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। टेंस में जनरली डू डज डिड का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, बट इम्फैटिक बनाने के लिए भी डू डज डिड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जिस जो है असर्टिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो असर्टिव होगा, जिसमें डू डज डिड लगा होगा, जिसके बाद जो है वर्ब वन का इस्तेमाल किया गया होगा, उस सेंटेंस को बेटा क्या बोलना, आज के बाद बोलना इम्फैटिक सेंटेंस। क्या बोलना? इम्फैटिक सेंटेंस। और याद रख लेना, मैंने हालांकि टेंस में पढ़ा दिया है शुरू में ही, कि जितने भी डू डज डिड होते हैं इनके बाद सदैव वन का इस्तेमाल होता है। बोलो भारत माता की जय। तो आई डू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता तो हूं, मैं इंग्लिश जरूर पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश अवश्य पढ़ता हूं, हम अंग्रेजी पढ़े नहीं, बुझा है ना, वो आ जाता है जी। इसलिए ये आई डिड अब्यूज यू,
मैंने उसे गाली दी, ये है मैंने उसे गाली दी ही, दी ही, समझ रहे ना, या मैंने उसे अवश्य गाली दी। आगे आई टू हैव अ फ्लैट, हाँ यस यस आई टू हैव अ फ्लैट, मेरे पास एक फ्लैट तो है ना, तो है, मैं एक फ्लैट अवश्य रखता हूँ, मेरे पास एक फ्लैट तो है। ही डज हैव मनी, से मुसी पे बना लो कि उसके पास पैसे जरूर हैं, समझ गए। तो ये एम्फैटिक सेंटेंस है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, पहचान ये रहा, ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन टैग का एक सेंटेंस मैं समझा दूं कि वो दिखता कैसा है। आपने बोला होगा सर इसका आपने डेफिनेशंस नहीं लिखा या कुछ नहीं लिखा है, बेटा ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, समझ गए, तो इसलिए बस काम चलाओ यहां से, ठीक है ना। चलो देखो, एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई टीच, आई व्हाट टीच इंग्लिश डोंट आई। एक और मैं लिखता हूं, आई एम अ टीचर aren't I, ठीक है। ये जरा सेंटेंस देखो, अब तुम बोलोगे सर जी हमने तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था कि जिस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होगा वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। बिल्कुल सही बेटा तुमने पढ़ा, लेकिन उसी में एक सेंटेंस आता है जिसको हम लोग क्वेश्चन टैग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। समझना, ये जो टैग नाम का शब्द है ना, इसका मतलब होता है ऐड करना। क्या करना बोलो जरा, ऐड, जोड़ना। क्या होता है जी, जोड़ना, जैसे फेसबुक पे टैग करते हैं, टैग का ऑप्शन आता है मतलब उसको जोड़ते हैं, तो उसी तरह करना क्या है यहां कि इसका नाम ही है क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन को ले जाके टैग कर दो, जोड़ दो। तो ये वाला सेंटेंस मेरा दिख रहा है ना, एडजेक्टिव का अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है, और ये वाला क्वेश्चन वाला पार्ट है। ये वाला किसका पार्ट है, क्वेश्चन वाला, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, समझ रहे हो ना। अगर इंटरोगेटिव पूरा का पूरा कंप्लीट इंटरोगेटिव होता तो सेंटेंस के शुरू में या तो वर्ब होता या फिर डब्ल्यू एच सा कोई वर्ड होता, लेकिन कोई तो है नहीं। तो ये इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर हो तो इसे हम लोग कहते हैं, बोलो कौन सा सेंटेंस बेटा, क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब कोई बोलेगा सर हिंदी आई टीच इंग्लिश डोंट आई, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं ना, ये हिंदी है। आई एम अ टीचर aren't I, मैं शिक्षक हूं ना, आप चोर है ना, यू आर अ थीफ aren't you, ऐसे बोलेंगे। वो एक डॉक्टर है ना, ही इज अ डॉक्टर isn't he। तो ये रहा बेसिक का पूरा ज्ञान, अच्छे से नोट्स कर लीजिए और खूब मेहनत दिल लगा करके पढ़िए, और कृपया सब्सक्राइब, और बड़ा जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं, फिर लाइव आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, मिलते हैं अगले वीडियोज में।